बात पे कहते हो कि तू क्या है, खुद ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। इस शेर का मतलब आपको मैं बताऊंगा और समझा भी दूंगा, या हो सकता है इस शेर को समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। जब हम एक ऐसे शख्स का नाम आपके सामने लेंगे, एक ऐसे टीवी चैनल का नाम आपके सामने लेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि शेर उनके लिए ही है, बल्कि उनके एंकर्स के लिए भी है जो कि अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखा समझते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानियों का हमदर्द समझते हैं, बेटियों का हमदर्द समझते हैं, चाहे वो निर्भया हत्याकांड की बात हो, चाहे उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हो। हम बात कर रहे हैं द रिपब्लिक टीवी की, और रिपब्लिक टीवी के एंकर या चीफ अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी हमेशा डिबेट्स करते हैं, उस डिबेट्स में अपना दर्द छलका देते हैं कि उनको हिंदुस्तान की बेटियों की कितनी फिक्र है, या उनको औरतों की कितनी फिक्र है, या औरतों की वो कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि असल में अर्नब गोस्वामी की जो टीम है वो औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। एक वीडियो हमारे हाथ लगी है, यकीनन ये वीडियो एक्सपोज करती है अर्नब गोस्वामी के इस चैनल को, अर्नब गोस्वामी और उसकी टीम के जो दावे हैं उनको खोखला साबित करती है। जो टीवी में मगरमच्छ के आंसू रोए जाते हैं किसी भी बेटी के लिए, उन आंसुओं को भी खोखला साबित करती है ये वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से द रिपब्लिक टीवी एक्सपोज हो चुका है। रिपोर्टर्स किस तरीके से इस महिला से बात कर रहे हैं, किस तरीके से हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे पर, और किस तरीके से इस महिला की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस महिला का कहना ये भी है कि मुझे बद्दी बद्दी गालियाँ भी बगी गई। तो वक्त नहीं लगाते हुए आपके सामने पेश कर रहा हूं इस वीडियो को। ये वीडियो एक्सपोज करती है इन तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स को जो टीवी पे कुछ और हैं और हकीकत में ये कुछ और हैं। आपसे गुजारिश ये भी है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि ये सच्चाई दूर तक पहुँच सके। अगर आप चाहें तो आप डाउनलोड कर भी इसको शेयर कर सकते हैं। हमारा मतलब सिर्फ यह है इस वीडियो को दूर तक पहुंचाना। तो देख लेते हैं ये वीडियो किस तरीके से रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स बदतमीजी कर रहे हैं, या किस तरीके से इस महिला के साथ उनका एटीट्यूड है। सबसे घटिया चैनल देख लीजिए गोदी मीडिया। आप हाथ नहीं लगा सकते, दूर रह के बात कर, दूर रह के बात कर। तू क्या शट अप बोलेगा हमें? दुनिया की सबसे घटिया चैनल वालों का देख लीजिए, और ये कैसे आज कोरोना के टाइम पे मेरे मुंह पर हाथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखिए, इसलिए मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। यू ब्लडी हेल गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया। भौंकने वाली बोल, अब बोल मुझे भौंकने वाली, अब क्यों नहीं बोल रहा बच्चा? बोला ना इसे मुझे भौंकने वाली, बोला ना? ये नफरत चलाते हैं, आप जैसे लोगों को खाना नहीं खाने देना चाहते हैं। आप लोग हैं, आपको समझ में आया रिपब्लिक चैनल की हकीकत पूरी दुनिया जानती है। एंड मैं आपको पर्सनली अटैक नहीं कर रही हूँ, ये बात आप समझने की कोशिश करो। मैं रिपब्लिक चैनल से बोल रही हूँ ये बात। हाँ, अब तो आप तमीज से बोलोगे, अब तो आप तमीज से बोलोगे। अभी तो मैंने जैसे कैमरा बंद किया तो बोल दिया भौंकने वाली कुतिया। ये बोला ना आपने मुझे, ये बोला ना बच्चों, मेरे वर्ड्स नहीं है। अरे झूठे, अरे बॉल्स ही नहीं है तुम्हारे अंदर ये बात बोलने की। अब तो आप सच बोलोगे ही नहीं, अब तो आप सच बोलोगे ही नहीं, अब सच बोलने की दम ही नहीं है, बोलते ही नहीं आप। बिल्कुल सच बातें नहीं बोलते, सच बातें नहीं बोलते आप, सच सच बात है। मैं आपको एक्सपोज करने के लिए आई हूँ, मैं आपको एक्सपोज करने के लिए आई हूँ। क्यों क्यों? मैं सिटीजन हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, मेरे को अथॉरिटी की जरूरत है आपको एक्सपोज करने की। क्यों मना तो रही हूँ, बना रही हूँ आपकी वीडियो, आपकी वीडियो बना रही हूँ। क्या जाऊँ, क्या जाऊँ? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिख रहा है कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। आई बात समझ में? देखो डिस्टेंस तुमने मेंटेन कर लिया, तुम्हारा जो ये है ना, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, मेरे मुंह पर हाथ लाने की कोशिश कर रहा था। आई बात समझ में? एक लाइन और बोलना, हाँ। मारने की कोशिश की आपको? मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम लोगों का काम है झूठ फैलाना, तुम लोगों का काम है झूठ फैलाना, तुम लोग
किसका था? इसे किसने ऐसे ला के हाथ दिया ना? आपने देखा ना? मैंने आपको अटैक किया है। अटैक नहीं दिया। हाँ, यही ट्रेनिंग मिलती है ना, यही ट्रेनिंग मिलती है मीडिया वालों को, देख लीजिए, यही ट्रेनिंग मिलती है इनको बोलने के लिए, यही ट्रेनिंग मिलती है, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ट्रेनिंग इनकी देख लीजिए, देख लीजिए, झूठ फैलाने की ट्रेनिंग कैसे मिलती है, देख लीजिए, अपना देखिए। मैं कहाँ से नहीं आ गई, यही रहती हूँ मैं 30 साल से, यही रहती हूँ। मुझे ये दिक्कत है कि रिपब्लिक चैनल सारा टाइम नफरत फैलाने का और झूठ फैलाने का काम क्यों करता है? आपने हाथ ऐसे लाया ना, आपने हाथ कितना लाया, क्यों लाया? मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रही हूँ, आप मेरे मुंह पर क्यों ला रहे हो हाथ? लाइव चल रहा था, फ्री में नहीं चलता वो लाइव। अरे चल रहा होगा लाइव, मुझे क्या मतलब? देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए तरीका, देख लीजिए इनकी एथिकल ट्रेनिंग, देख लीजिए इनकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। आपने मेरे को भौंकने वाली कुतिया बोला कैसे? मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ। आपको पता, आपने झूठ बोल रहे हो यहाँ पे खड़े होकर। जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया, आपने किया ये काम या नहीं किया? आपने किया, इज्जत और प्यार से आपने बात करी ही नहीं है, आपने नहीं करी है। यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं, सबको पता है कि आपने मेरे को क्या बोला फर्स्ट प्लेस में। आप लोग जाइए यहाँ से। अच्छा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। खुद जो सारा टाइम हिंदू मुस्लिम करते हैं, गरीबों का हक दिखाने की बजाय पाकिस्तान पे डिबेट करते हैं, मजदूरों को खाना मिला नहीं मिला उस पर डिबेट नहीं करते हैं, और ये मेरे को बता रहे हैं कि मेरे को पागल खाने जाना चाहिए। इमेजिन इनकी ट्रेनिंग देख लीजिए, आपको मीडिया में क्या ट्रेनिंग मिली है इन्हें, देख लीजिए। बताइए रिपब्लिक टीवी ने गरीब लोगों के लिए कितना दान दिया है, खाना दिया है, पैकेट भिजवाए हैं, कोई मदद भिजवाई है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट भिजवाए हैं, कहाँ है बताइए? क्यों भाई, अब भौंकने वाली कुतिया बोलेगा तो ठीक है क्या? है ना, बस हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने हंस लो तुम हमारे। तो आपने देखा, सिर्फ टीवी पे लंबी चौड़ी दास्तानें करना, कसीदे पढ़ना, ये कोई शान की बात नहीं है। शान की बात जब भी है कि जब जिस तरह का व्यवहार आपका टीवी पे है, या जिस तरह का दर्द आपका टीवी पे है आम जनता के लिए, उस तरह का व्यवहार आपका ज़मीन पर भी हो। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें सजेशन ज़रूर दें। कुछ कहना है या कोई शिकायत है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, indian.informative1234@gmail.com। फिर किसी और वीडियो के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।